कोरोना के केसेस में गिरावट आई तो कई राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला ले लिया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत भारत के 10 से ज्यादा राज्यों ने स्कूल भी खोल दिए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? महाराष्ट्र में 600, छत्तीसगढ़ में 18, गुजरात में 4 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी माता पिता इन आंकड़ों को सुनने के बाद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। लेकिन द लैंसेट की स्टडी को जानने के बाद शायद आप में से कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने से न रोके। 4 अगस्त को द लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो महज 6 दिन के अंदर ही वो रिकवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें लॉन्ग कोविड होने की भी संभावना कम है। 5 से 17 साल की उम्र वाले 205,000 बच्चों पर ये स्टडी की गई, जिससे पता चला कि 5 से 11 साल के बच्चे कोरोना से 5 दिन में रिकवर हुए और 12 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों को रिकवर होने में 7 दिन लगे। लेकिन विदेश की ये स्टडी स्मार्टफोन ऐप पर प्रश्न पूछकर की गई। इस पर भारतीय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर के दौरान कई बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर ही उनमें कोरोना के लक्षण दिखना कम होता गया। भारत में बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने का आंकड़ा 1% से भी कम है। ICMR का डेटा कहता है कि बच्चे संक्रमित तो हुए लेकिन उन्हें हॉस्पिटल्स या ICU में भर्ती करने की नौबत नहीं आई। तो क्या बिना डर के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं? जवाब में डॉक्टर्स का कहना है कि द लैंसेट की ये स्टडी बहुत जरूरी जानकारी देती है। भारत में हॉस्पिटल्स के आंकड़े और दूसरी लहर के हालात इस बात की गवाही देते हैं कि बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं। तीसरी लहर के डर से अगर बच्चों को घर में ही बंद रखेंगे तो ये सरासर गलत होगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पर अभी भी लॉकडाउन की खुमारी छाई हुई है। लॉकडाउन की वजह से उनके टाइम टेबल, न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। शायद आपके घर में भी वो बच्चे होंगे जिन्हें अब स्कूल से बेहतर फोन लगने लगा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों का घर से बाहर निकलना और औरों के साथ घुलना मिलना जरूरी है। लेकिन किसी भी जगह जाने से पहले सावधानियों का और वैक्सीनेशन का ध्यान जरूर रखें। मतलब इस बात का ध्यान रखें कि उनके आसपास जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन, टीचर्स, इन सभी का वैक्सीनेशन हो चुका हो ताकि आपके बच्चे संक्रमित ना हो। ऐसी ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।